हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10th मैथ्स पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है 2 इयर्स एगो अ फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 2 इयर्स लेटर हिज एज विल बी 8 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन। यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन की हेल्प से हमें फादर और सन की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड लेट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर एक्स इयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन वाई इयर्स। कंडीशन दी हुई है 2 इयर्स एगो मींस कि 2 साल पहले। अब फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 2 इयर्स एगो पहले फाइंड करते हैं। 2 इयर्स एगो करने पे फादर की एज में और सन की एज में 2 साल माइनस हो जाएगा, मींस कि 2 इयर्स एगो प्रेजेंट एज ऑफ फादर x माइनस 2 होगा एंड एज ऑफ सन y माइनस 2 हो जाएगा। 2 इयर्स एगो फादर की एज x माइनस 2 हो गई, मींस कि 2 साल एज में कम हो गया और सन की एज में भी 2 साल कम हो गया, y माइनस 2 हो गया। अब कंडीशन है 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज। इसका मीन ये है कि 2 साल पहले फादर की एज सन की एज का 5 टाइम्स था। फादर की एज है x माइनस 2 एंड सन की एज है y माइनस 2। 5 इयर्स एगो फादर की एज सन की एज के 5 टाइम्स था, बट हम यहाँ पे एक इक्वेशन बना रहे हैं। इक्वेशन बनाने का मीन ये है कि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। फादर की एज तो ऐसे ही ज्यादा है, अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, इसलिए हम 5 का मल्टीप्लाई सन में करेंगे। जब हम 5 का मल्टीप्लाई सन में करते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। 5 का मल्टीप्लाई हमेशा सन में करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई y में करते हैं, 5y माइनस 10। x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस 2 को इधर करते हैं प्लस 2 हो जाएगा। x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 8। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2 इयर्स लेटर, अब सेकेंड कंडीशन में दिया हुआ है कि 2 इयर्स लेटर मींस 2 साल बाद। तो 2 साल बाद फादर की एज और सन की एज फाइंड कर लेते हैं। पहले 2 साल बाद बोला जा रहा है, मतलब कि प्रेजेंट एज से 2 साल ज्यादा हो जाएगा। प्रेजेंट एज x है, 2 साल बाद x प्लस 2 हो जाएगा एंड सन की प्रेजेंट एज y, तो 2 साल बाद y प्लस 2 हो जाएगा। अब कंडीशन दी हुई है आगे, हिज एज विल बी 8 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ सन। सेकेंड इक्वेशन बनेगी, फादर की एज होगी x प्लस 2 और सन की एज है y प्लस 2। सेकेंड कंडीशन का मीन ये है कि फादर की एज सन की एज के 3 गुने से 8 इयर्स ज्यादा होगी। ये फादर की एज, ये सन की एज, सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फादर की एज बोला जा रहा है कि 8 इयर्स ज्यादा है, तो हम सन की एज में 8 ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन को एक बार फिर समझ लेते हैं। 2 इयर्स लेटर, 2 इयर्स लेटर हम दोनों फादर और सन दोनों की एज फाइंड आउट कर लें। हिज एज विल बी 8 इयर्स मोर देन, हिज एज का मीन यहाँ पे फादर की एज का है। मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, फादर की एज सन की एज के 3 टाइम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए सन की एज में। मोर देन है मींस कि फादर की एज 8 इयर्स मोर देन है, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सन की एज में 8 ऐड कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, होगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई y प्लस 2 में करते हैं, होगा 3y प्लस 6 प्लस 8। अब x 3y को ट्रांसपोज कर लेते हैं, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 प्लस 8 14 हो जाएगा। इस 2 को राइट साइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2। x माइनस 3y इक्वल्स टू 14 को 2 से माइनस करते हैं, सॉरी 14 में से 2 माइनस करते हैं, 12 हो जाएगा। इक्वेशन बनेगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकेंड को, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x y की या फिर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, राइट करते हैं सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन। अब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन वन से माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट राइट करते हैं x माइनस फाइव वाई इक्वल्स टू माइनस एट, एंड सेकेंड इक्वेशन होगा x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू 12। इसे हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा, x से x माइनस हो जाएगा। ये है माइनस फाइव वाई और प्लस थ्री वाई, माइनस फाइव वाई से प्लस थ्री वाई माइनस करते हैं तो होगा माइनस टू वाई इक्वल्स टू, ये माइनस एट माइनस ट्वेल्व दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस ट्वेंटी, वाई इक्वल्स टू माइनस ट्वेंटी अपॉन माइनस टू, वाई की वैल्यू आ जाएगी टेन। अब वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर, पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट गिवन है x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 8, y की वैल्यू 10 पुट करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू माइनस 8, x 5 से 10 में मल्टीप्लाई करते हैं 50 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 8, x इक्वल्स टू माइनस 8, राइट साइड करते हैं 50 को तो हो जाएगा प्लस 50, x इक्वल्स टू माइनस एट है और प्लस 50 है, 50 से 8 को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 42। एक्स की वैल्यू 42 आ गई और वाई की वैल्यू, बट हमें इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, हमें प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन फाइंड आउट करना था। प्रेजेंट एज ऑफ फादर हमने एक्स लेट किया था, जिसकी प्रेजेंट एज ऑफ फादर होगा एक्स की वैल्यू जो 42 आई है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर होगा 42 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन वाई लेट किया था, वाई की वैल्यू है 10 ईयर्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन होगा 10 ईयर्स, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, फादर की एज 42 ईयर्स एंड सन की एज 10 ईयर्स।